हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। दिस इज़ योर मैथमेटिक्स क्लास फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस अबाउट आवर एक्सरसाइज 1.2 एंड वी डिस्कस अबाउट योर क्वेश्चन नंबर थ्री। ओके, एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 5। और बच्चों, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में दिया था, आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 5 आज यहाँ पे देखते हैं कि हमने अभी तक सिंपल क्वेश्चंस तो कर लिए हैं कि अगर हमारे पास सिंपली इस तरीके से कोई चीज़ लिखी हो तो हम उसे कैसे उसके बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि अगर अभी तक हमने रैशनल के लिए किया, ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोई दो नंबर हो तो उनके बीच में इरेशनल नंबर हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, इंसर्ट 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √7। ठीक है, √2 और √7 के बीच में आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप बच्चों जानते हो यहाँ पे इरेशनल नंबर किस तरीके से आपके लिखे जाते हैं। आपको पता है ये रूट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 दिया हुआ है आपका। इस तरीके से आप देखिए यहाँ देख सकते हो, तो हम यहाँ पे √2 और √7 के बीच का 3 रैशनल नंबर, यहाँ इरेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये है आपका, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दोनों रैशनल नंबर को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, इरेशनल नंबर को। ठीक है, एक्चुअली बच्चों देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये हो गया है। आप देखिए ये जो रैशनल लिखा हुआ है इसमें, इसमें आप इरेशनल कर लीजिएगा। ठीक है, इसको इरेशनल कर लीजिएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हमने दो इरेशनल लिख दिया है जो हमें गिवन था क्वेश्चन में। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था डिवीज़न मेथड। ठीक है, कि आपको डिवीज़न मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है, डिवीज़न मेथड होता क्या है, मैं आपको बता चुकी हूँ ये चीज़। आपको √2 और √7 का पहले यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना होगा बाय डिवीज़न मेथड से। ठीक है, हम यहाँ पर 2 का सबसे पहले देखते हैं, ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा ज़ूम कर दे रही हूँ यहाँ। तो आप यहाँ पर देखिए, जब हम 2 के लिए निकालते हैं तो आप जानते हो मैंने कैसे आपको मेथड बताया था। सबसे पहले हमको यहाँ पे वो नंबर लेना होता है जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो इस नंबर के इक्वल आए या इससे कम आए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपको यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे 2 है, अभी हम सिर्फ 2 देखेंगे यहाँ, और 2 के बाद हमें 0 लेना होता है डेसिमल के बाद। और ये 0 आपका सिंगल नहीं होता है, ये आपका पेयर के फॉर्म में हम लेते हैं, क्योंकि कभी भी आप 1 0 यहाँ पर नहीं लोगे, पेयर के फॉर्म में लोगे। ये देखिए 2 0 ये, 2 ये और 2 ये, हमने 3 का पेयर यहाँ पे बना लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हम यहाँ पे वो टेबल देखते हैं जिसमें, जैसे आप देख सकते हो कि ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर करने पे वैल्यू 2 आए या इससे लेस आए। ठीक है, तो 1 हम ऐसा नंबर ले सकते हैं जिसका स्क्वायर करने पर वैल्यू हमारी क्या आएगी, 2 से कम आएगी। तो 1 1 सा क्या होता है, 1 होता है आपका, यहाँ पर हमने इसको ले लिया है। अब देखिए 1 1 सा 1, तो बच्चों देखिए जो नंबर यहाँ लिखा जाता है वही आपका यहाँ पे होता है। ठीक है, और इन दोनों का सम ये होता है, यहाँ पे लिखा जाता है 2 में से 1 गया तो 1 बचा आपका। ठीक है, मतलब इन दोनों का सम यहाँ पे होगा और यही नंबर जिस जो होगा वो यहाँ पे आपका उतरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 मिल गया, अब यहाँ हमें 1 मिला है, इसके बाद हमने एक पेयर 0 का ले लिया है तो 100 ये हो गया। ओके, इसके बाद देखिए आप क्या करोगे, अब आपको देखना है कि 24 है, 24 में हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें, 24 नहीं, यहाँ पे आपका 2 है बच्चों, ये हमको फाइंड आउट करना होगा, ये कि यहाँ पे हम ऐसा कौन सा नंबर रखें कि जिसमें हमारा 100 या 100 से कम वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट करके देखते हैं, अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो 22 वो तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कम हो जाएगा 100 से। ओके, और 24 लेते हैं तो क्या होगा, देखिए 23 से भी देखिए आप और 24 से भी देखिए, इस तरीके से आपको चेक करना होगा। देखिए 23 है तो इसको 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या होगा, 69 होगा, ये 100 से बहुत कम है अभी आपका। तो 24 लेके देखिए, जो नंबर यहाँ पे लोगे आप उसी से आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है, और वही नंबर आपका इसमें नोट डाउन भी होगा, 4 4 16
4 2 8 1 9 96, ये 100 के अप्रॉक्स में आपका आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है। ये 4 यहाँ पे लिया जाएगा, यही 4 आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब हम 4 ऐड भी तो करेंगे, जो नंबर हम यहाँ लिख रहे हैं वही नंबर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो 28, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो 28 आ रहा है वो हमेशा इसका ट्वाइस है ना। जो भी नंबर आपको यहाँ मिलता है, यहाँ जो नंबर आएगा वो इसका हमेशा डबल होगा। तो 28 14 का डबल है, आप देख रहे हो। और जैसे हमने 1 लिया था तो 2 क्या था, 1 का डबल था। इस तरीके से आप यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हो। अब हमें यहाँ क्या मिला, हमें यहाँ मिल गया है 4, ओके। तो 4 में क्या होगा, हम एक पेयर 0 लेते हैं, तो डबल 0 यहाँ बढ़ गया। उसके बाद देखिए 28 हमारे पास यहाँ पे था, ठीक है। अब हमें देखना है, हम यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि हमारा वो मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ रखोगे उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करोगे आप, तो उसको मल्टीप्लाई करने पे आपका 400 या 400 से लेस आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे अगर 1 से स्टार्ट करते हैं, चेक करना, 281 हम लेते हैं, तो इसी 1 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे आप, तो आएगा 281 ही। तो 281 देखिए 400 से कम है, ठीक है। हम एक बार 2 से भी चेक करते हैं, यहाँ पे 281 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 282 होगा यहाँ पे, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होगा, 465, तो ये 564 हो गया, जो 400 से आपका बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ 1 ही हमें लेना पड़ेगा, तो 1 यहाँ पे लिखा जाएगा, 1 यहाँ पे होगा, तो यहाँ भी 1 आपका ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला, 281, इसको माइनस करिए तो आपको मिला 119, ओके। फिर हमने एक पेयर 0 का लिया, यहाँ पे उतार दिया इसको, अब आपको मिला है 282, आप देख सकते हो 141 का आपका ट्वाइस है, 282, ठीक है। तो आप देखिए अब हम यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू लें कि इस पूरे को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे आपका इसके बराबर आए या इससे कम आए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप जानते हो। तो हम अगर यहाँ पे देखते हैं 1 लेके, तो 1 तो आप जानते हो इससे बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और 2 लेते हो तो क्या होगा, आप देखिए 2 से आप इस डिजिट को देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 2 8 16, 2 2 4 1 5, 56 आएगा स्टार्टिंग, जो आपका 11 से बहुत ही छोटा है। तो हम इस तरीके से चेक करते हुए हम यहाँ पे 4 लेंगे, 4 जब हमने लिया तो 4 से आप जो ले रहे हो उसको, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके भी आप चेक करोगे, ठीक है। तो ये आपका आएगा यहाँ पे 11296, और इस 4 को यहाँ ऐड कर दोगे, तो देखिए 1414 का ये जो है आपका इसका ट्वाइस है, ओके। तो हमें रूट 2 का मिल गया है यहाँ 1.414। इसी तरीके से देखिए हम रूट 7 का करेंगे यहाँ, तो रूट सेवन का क्या होगा, सबसे पहले आप 7 लीजिए, 3 पेयर हमने 0 के ले लिए, मैक्सिमम मैंने बोला है कि 3 डिजिट तक आपको फाइंड आउट करना है इसको, तो 3 पेयर आप ले लीजिए। अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर लें कि जिसका स्क्वायर करने पे वो 7 आए या 7 से कम आए, तो हम देखते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर हमारा 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, 9 7 से ज़्यादा है आपका। तो 2 का स्क्वायर करिए, 2 2 4 आया, और यही 2 यहाँ पे ऐड भी होगा, तो यहाँ मिलेगा 4 आपको। तो यहाँ क्या मिला, देखिए 7 में से 4 माइनस करिए, 3 मिल गया, एक पेयर 0 का यहाँ पे आप उतार दीजिए। अब आप देख सकते हो कि ये जो 4 मिला है ये आपका 2 का ट्वाइस है ना, स्क्वायर है इसका। उसके बाद देखिए आप क्या करोगे, अब आपको यहाँ 4 मिला, यहाँ पे 3 मिला, और 00 आपने बढ़ाया, यहाँ पे आप ऐसी कौन सी डिजिट लोगे कि इस नंबर को पूरे को आपको इसी से मल्टीप्लाई करने पे 300 मिले या 300 से लेस वैल्यू मिले, ठीक है। तो जैसे 4 है, आप इसको चेक कर लीजिए, 41 लेते हो, 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम 41 मिल जाएगा। अब आप इस तरीके से देख लीजिए करके, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 30, और इसकी क्या है, 4 है यहाँ। तो इससे आप चेक कर लो यहाँ पे कि अगर आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 16 आता है, ये इस 30 से बहुत कम है, ये मैंने चेक करने के लिए केवल आपको बताया है। उसके बाद इस 4 को अगर आप 5 से करते हो तो 20 आ रहा है, ये 30 से कम है, ठीक है। अभी आप इस 4 को क्या करिए, 6 से देखिए तो 24 आ गया, ओके। इस तरीके से आप देख सकते हो, 6 से करोगे तो क्या मिलेगा आपको। अब आप क्या करिए, 46 को 6 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिल जाएगा 276, ये आपका 300 से कम है, ठीक है।
तो आप ये वैल्यू यहाँ लिख सकते हो, 6 यहाँ पे आएगा और यही 6 आपका यहाँ पे ऐड होगा। यहाँ पे अब आपको क्या मिला, 24 मिला है, एक पेयर ज़ीरो का हमने यहाँ उतार दिया है। तो देखिए यहाँ क्या मिला है आपको, 6 6 12 5 52 मिलेगा, ठीक है। तो ये 52 आप देख सकते हो इस 26 का डबल है, ठीक है, ट्वाइस है। अब देखिए यहाँ पे हमें देखना है हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि वो इससे कम आ जाए या इसके बराबर आए। तो 524 था, 524 में आप क्या करोगे, सॉरी 52 था, तो आप यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रख सकते हो, आप चेक करो। देखिए ये 5 था, ये 24 है, ओके। स्टार्टिंग की दो वैल्यू यहाँ देखिए और ये 5 यहाँ पे देखिए, 24 है, ये 5 है। 5 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 20 आता है, जो आपका 24 के अप्रॉक्स में है, और 3 से करोगे तो 15 आएगा, जो 24 से बहुत कम है। तो आप यहाँ क्या ले सकते हो, 4 ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने लिया 4 और इसी 4 को यहाँ ऐड करिए, इसी को यहाँ पे नोट करिए, ठीक है। क्वेश्चन्ट में यहाँ पे जो आएगा ये इसी 4 को आप नोट करिएगा, ओके। तो जब आपने इसको किया तो आपको क्या मिला, 2096, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ आपका बच्चों, ये आपको मिला है यहाँ, इसको आपने जब माइनस किया है तो 304 मिला है, एक पेयर ज़ीरो का हमने यहाँ नोट कर दिया है। अब आप इसके बाद देख सकते हो कि हम क्या करेंगे, इसके बाद का स्टेप यहाँ नोट नहीं है, आप इसको देख लो। 528 है, तो इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू लें कि वो इसके इक्वल आए या इससे लेस आए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5 ले लिया, ठीक है। आप खुद से चेक करिएगा 234 रख करके यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि हमने वो नंबर्स क्यों नहीं लिए हैं, ठीक है। ये 5 यहाँ लिखा जाएगा और यही 5 यहाँ पे ऐड भी होगा आपका, इसको ऐड करके यहाँ वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए क्या आएगी, और 5 आपका यहाँ भी उतरेगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका, 30400 था, जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको मिला 26425, ओके। ये आपको यहाँ पे मिल गया है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको माइनस करोगे, आपको मिलेगा 3975, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने इस वैल्यू को, रूट सेवन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। हमें अब रूट टू और रूट सेवन दोनों की वैल्यू मिल गई है, ये आप देख सकते हो। रूट टू क्या मिला, 1.414, रूट सेवन मिला 2.643। ये हमें दो इरेशनल नंबर की वैल्यू मिल गई है। अब आप एक चीज़ समझ सकते हो कि रूट टू और रूट सेवन के बीच में जो भी वैल्यूज़ होंगी, ये तो 1.414 है, ये है आपका 2.643, ठीक है। इन दोनों के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो 1.4 से ज़्यादा और 2.6 से कम होंगी, ठीक है। और पहली बात बच्चों देखिए, आप यहाँ पे समझ सकते हो, अब हम देखते हैं कि इन तीनों के बीच में, दोनों के बीच में कितने इरेशनल नंबर, हमको 3 फाइंड आउट करने थे, तो हम देखते हैं वो 3 इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं आपके, ठीक है। देखिए द 3 इरेशनल नंबर बिटवीन रूट टू एंड रूट सेवन इज़ इक्वल टू, क्या होगा यहाँ पर आपका, देखिए आप सबसे पहले ये चीज़ समझ सकते हो, रूट टू और रूट सेवन है, ठीक है। रूट टू के बाद आप 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 4 नहीं ले सकते हो क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो 2 आपको मिल जाएगा, रूट 6 ले सकते हो। ये रूट टू और रूट सेवन के बीच के नंबर्स हैं, इरेशनल हैं जो, और आप वैल्यू देख सकते हो, रूट टू की है 1.414, रूट थ्री की होती है 1.732, रूट फाइव की होती है 2.236, ठीक है, इस तरीके से, और रूट 6 की होती है 2.449। ये वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की गई है, ये आप इसको डिवीज़न मेथड से खुद से करके देखिएगा, तो आपको यही वैल्यूज़ यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। आपको इसको करके शो नहीं कर रहा है, आप अपने से इसको समझने के लिए कर सकते हो, ठीक है। और रूट सेवन हमने फाइंड आउट किया था, तो हमें इसके और इसके बीच के 3 इरेशनल नंबर मिल गए हैं, जो क्या आए हैं, 1 रूट 3, रूट 5 एंड रूट 6, ओके। तो ये तीनों आपके हैं इरेशनल नंबर। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंदी है बट ओके, आपको समझ में आ गया होगा। ये इससे रिलेटेड मिसलिनियस में भी सेम तरीके के क्वेश्चन हैं, तो आप उनको ट्राई करिएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी जब आप खुद से करोगे इन चीज़ों को। सो बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 आपका डिस्कस, 5 आपका डिस्कस कर लिया है, और इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 जितने भी क्वेश्चन हैं इनको ट्राई करिएगा अपने से। इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, 7 आपको ट्राई करना है, ठीक है। सो बच्चों आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।